नहीं रिकॉर्ड होता तो तुम लोग हमको याद तो स्टार्ट दिला। हो गया सर। चलो ठीक है, देखो इधर हमको ये बताओ, सारे लोग बताओ किस तरह का जनरल एंट्री करा है। अर्जा तुम बोलो। सर हम पीडीएफ को नहीं देख पा रहे हैं, पीडीएफ को जो देखते हैं तो जूम कट हो जाता है बैकग्राउंड अच्छा से, इसीलिए ठीक सर। है, पीडीएफ अभी देखने के लिए नहीं है, अभी हम सारा करा देंगे। वो तुमको घर में अपना जो बैठे टाइम पास इधर उधर करते हो ना, अगर कॉमर्स फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो उसको सारा फोकस उस पर करना, ठीक है। सर मेरे पास एक कंप्यूटर से एडजस्टमेंट हो एंट्री जाएगा है। सर। हाँ बोलो, जो भी हम बोले कि जो भी तुम लोग कहो, जो भी कहीं से यस कुछ बताओ, बताओ क्या है। सर, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 पेड हाँ ऑन 1 जनवरी 2015 टू हाँ रन फॉर 1 ईयर, हाँ जिसकी अमाउंट 8700 है, और हाँ जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 5000 फॉर हाउस रेंट। क्या करें सर इसका एंट्री? अच्छा फिर से आराम से, इतना तेजी में नहीं पढ़ते हैं ये ओके हिंदी। सर। हाँ रुको रुको, पहले ये हिंदी का किताब नहीं है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। इसी तरह का तुमको जीवन में पूरा अकाउंट्स में 20 से 25 एडजस्टमेंट यही होता है, इसी को बोलते हैं बोलेगा ना कि मेरा अनम्यूट हो गया है। कौन बोल रहे हैं जी, यही डिस्टर्ब करते तुम। बताओ हमको फिर से क्वेश्चन, आराम आराम से बोलो, सुनो बोलो। सर जनरल जनरल एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपी टू हंड्रेड फिर रुक, इतना ये मैथ ठीक है है, सर, ठीक है। जनरल एक्सपेंस, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 2400, ठीक है बताओ। पेड पेड ऑन 1 जनवरी 2015 रुक टू जाओ, रन फॉर 1 ईयर। कैसे आप बोलते हो जी, अब तुम भेजो जी सॉरी हमको, सर, रुको ग्रुप में नहीं भेजो। सर सर ठीक है नहीं सर, मैं बता रही हूँ, थोड़ा नहीं, ये फिर गलत, हम कम स्पीड में बोलो, थोड़ा कम बता स्पीड देंगे में। गलत, आप समझते नहीं हो ना इसमें एक एक पॉइंट का क्या मतलब होता है, जैसे हम बताते हैं। ग्रुप में भेजो क्वेश्चन, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ग्रुप में सर भेजो। ग्रुप में, अच्छा मैं आपके उस हाँ कंटेंट में भेज सकती हूँ। मेरा पर्सनल भी भेज सकते हो, ग्रुप में भी भेज सकते हो, ग्रुप में मत भेजो, पर्सनल भेजो, जल्दी भेजो। ये एडजस्टमेंट में है जी, और इस तरह से बार बार बोलते, क्वेश्चन पढ़ना ही एक टेक्निक है, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने आ गया तो क्वेश्चन फिर आप बना लोगे। ये अकाउंट जो बनता है ना, सब लोग देखो, तब तक वो भेजती है क्वेश्चन, सब लोग देखो, अकाउंट जो बनता है ना, अब अकाउंट बनता है एक्रुअल बेसिस पर, सारा अकाउंट एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर, ठीक है ना। मतलब सर क्या हुआ ये एक्रुअल एक्रुअल बेसिस? बेसिस मतलब ये जो मंथ है ना, ये जो पीरियड है ना, इसी पीरियड का सिर्फ इनकम एक्सपेंस इस ईयर में चार्ज होगा, सब बताएंगे, ठीक है, सब बताएंगे, काहे लड़बड़ा रहे हो। लेकिन हाँ थोड़ा सा वेट करो, सर ठीक भेज दिए। है देख लेते हैं। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड, रुको एक मिनट हमको देखने दो। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड, जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹24 पेड ऑन 1 जनवरी 2015 पटना 15 टू रन फॉर 1 ईयर, इतना जनरल एक्सपेंस, इतना फॉर हाउस रेंट। फिर से देखो, इधर पहला लाइन समझ में आ गया, दूसरा लाइन में क्या लिखे हो, इफ जनरल एक्सपेंस इंक्लूड, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज इतना पेड ऑन 1 जनवरी 2050 टू रन है जी, दो यस सर, हजार पंद्रह के बाद क्या है बताओ, टू टू रन फॉर 1 ईयर। 1 ईयर, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बोलो, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। हाँ मतलब वो इंक्लूडिंग है, उसके बाद उसकी जनरल एक्सपेंसेस में 8700 लिखा हुआ था सर। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 5000 फॉर हाउस रेंट, मतलब ये शायद ड्राइंग है, हाउस रेंट अच्छा प्रोपराइटर के पर्सनल यूज के लिए। अब लिसन केयरफुली, यस सर। जो तुम्हारा क्वेश्चन है ठीक है ना, हम लोग के सामने कोई भी क्वेश्चन लाओगे तो हम 2 मिनट में कर देंगे, फिर से बोलो, फिर से पढ़ो। ये टोटल जनरल एक्सपेंस कितना है, 8700। हाँ सब लोग आराम से, यस आर झा आराम से देखो, कुछ रहता है सब नहीं, दो लाइन का रहता है, सब देख लो। जनरल टोटल जनरल एक्सपेंस कितना है, सर, 8700। 8700। अच्छा किसी क्वेश्चन का एक कट के हमको भेज रहे हो, यस सर, वो क्वेश्चन बना रहे थे, बनाते हुए अच्छा ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का, समझ ही नहीं आ रहा अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन का अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, ये बताओ। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल, 31 मार्च, 31 मार्च,
ये जो 12th मंथ है ना, अच्छा ये कब से कब, ईयर टेल मी, ईयर बोलो। सर 2017 टू 18। 2017 टू 2000 नहीं सर, सॉरी सॉरी 2000 फर्स्ट अगर 15 है ना, डेट गलत बोलो। 15 का है, हां 15 का है, 15 टू 16, हां 15 टू 16 ही होगा सर। 2015 टू 2016, ठीक है, हां वही होगा शायद। तो सर यहाँ पे तो 1 जनवरी है ना, तो ये तो, तो यहाँ तो 31 दिसंबर यहाँ पे आप लेंगे ना सर, यहाँ पे 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2015, 14-15, 14-15, 14-15, ठीक है, कोई बात सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गया। कहे कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेट समझ गए, तुमको अभी दिखाएंगे डेट का क्या मतलब होता है। 14-15 मतलब क्या, 1-4-2014 से 31-3-2015 आराम से समझना, एक एडजस्टमेंट बनता 5 एडजस्टमेंट के बराबर है, एक एडजस्टमेंट करने में 1 क्लास लगता है, समझ गए। जीवन में पूरा अकाउंट्स में 40-20 को 25 को एडजस्टमेंट ही है, एक एडजस्टमेंट अभी हम करा रहे हैं। पीरियड ड्यू डेट सब लोग देख लिए, नेक्स्ट पेज पर आओ, समझो 2014-15 का है, ठीक है। टोटल जनरल एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में कितना है, टोटल जनरल एक्सपेंस 8700 ट्रायल बैलेंस में था जी, कैशबुक में दिया हुआ था, क्या कहाँ लिखा हुआ था, कैशबुक में दिया हुआ था, ठीक है ठीक है, समझो। आर झा अभी तक इस ईयर में आपने 8700 एक्सपेंस पेमेंट किया है, जिसको आपने कहाँ डेबिट कर दिया है, जनरल एक्सपेंस में, यस सर, है ना, ये क्या है, जनरल एक्सपेंस, बहुत आराम से समझना, समझ गए। अब इसमें आपको बोला गया कि इसमें 2400 रुपया जो है ना, वो इंश्योरेंस प्रीमियम का इसमें इंक्लूडेड है, एक एडजस्टमेंट में 3 एडजस्टमेंट है यहाँ पर, ठीक है। इस 8700 में 2400 रुपया क्या है जी, इंश्योरेंस प्रीमियम का, क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, आया ना, यस सर। बाकी बोला कि कितना, 5000 रुपया जनरल एक्सपेंस इंक्लूड हाउस रेंट, ये हाउस रेंट, अगर देखो ये हाउस रेंट है जी, यस सर, हाउस रेंट मतलब क्या, बिजनेसमैन के जो पर्सनली वो जहां रहता है ना, उसका रेंट का बात हो रहा है, ठीक है ना। अब पूरा क्लियर क्वेश्चन आप कर नहीं रहे हो, ठीक है ना, तो हम इसको बिजनेसमैन के पर्सनल रेसिडेंस का हाउस रेंट मानते हैं, बिजनेसमैन के दुकान का हाउस रेंट नहीं मानते हैं, ठीक है सर। ये बिजनेस का ही होगा ना सर, तो बिजनेस का ये प्रोपराइटर का है, प्रोपराइटर का है, बिजनेस वो प्रोपराइटरशिप का, अच्छा यही तो समझ, यही तो सीखोगे। हाउस रहता है तो हाउस, बिजनेसमैन को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑफिस रेंट, फैक्ट्री रेंट, कमर्शियल प्लेस का रेंट, ये हाउसिंग रेंट मतलब क्या, जहां रह रहा है वो, ये क्या है, ड्राइंग है, समझे, सब लोग देखो ये सब है इसमें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, एडजस्टमेंट है, तो हम लोग तो एक ही चीज समझते हैं, एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी, कोई एडजस्टमेंट कैसा भी एडजस्टमेंट हो, हम तो बोल दें कि दुनिया में कोई भी एडजस्टमेंट हो हमको लाके देना, यहीं पर 2 मिनट में उसको बता देंगे, समझ गया, कुछ भी। अब देखो 8700 रुपया का पेमेंट हुआ है ना, उस 8700 में 2400 रुपया किस लिए पेमेंट किया गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे नो, यस सर, और yes, उसी 8700 में 5000 रुपया हाउस रेंट का पेमेंट किया गया है, ये बिजनेसमैन के हाउस रेंट का पेमेंट है, yes, sir. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, yes, sir. ड्राइंग बराबर क्या होता है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ये नहीं बोलते ना कि पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग, ड्राइंग बराबर क्या होता है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ऐसे नो, यस सर। अब बाकी उसके बाद कुछ नहीं बोला, तो 8700 में 2400 रुपया चल गया इंश्योरेंस में, 5000 रुपया चल गया हाउस रेंट में, अब कितना बचा, 7400 चल गया, 7400, तो कितना बचा, ये क्या है, ये है जनरल एक्सपेंस, ये क्या है, एक्चुअल में जनरल एक्सपेंस है, एक्चुअल जनरल एक्सपेंस, ऐसे नो, सब लोग आराम, सब लोग आराम से देखेगा, मैथ खाली नहीं देखना है, मैथ कोई भी साइंस वाला भी ये चीज समझ जाएगा, लेकिन अकाउंट कॉमर्स फील्ड का स्टूडेंट का क्या होता है, उसको रिकॉर्ड करना उसको आता है, साइंस वाला रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। मेरा भाई साइंस है, हम उसको ये बताएंगे तो उसको भी सारा समझ में आ जाएगा कि ये गलती हुआ है, लेकिन वो इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। अब देखो
सबसे पहले बताओ कि इंश्योरेंस प्रीमियम 2400 रुपया पेमेंट किया गया है ना जी? यस सर, 1 जनवरी को ही कर दिया था पूरे साल भर का। पहले आराम से बोलो, मत सुनो ज्यादा, बोलो कम सुनो ज्यादा। ये 2400 रुपया का पेमेंट किया गया है ना इंश्योरेंस, ये कितना मंथ का इंश्योरेंस दिया गया है? 12 मंथ का सर? 12 मंथ का क्यों होगा सर? लिखा हुआ है क्वेश्चन में जन... नहीं सर, ये 1 जनवरी 2015 को कर रहा है, तो यहाँ का तो इसका क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2015 को। तुम अपना अभी 10 मिनट अपना दिमाग जो बोलते हैं वो सुनो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। अब 10 मिनट सुनो खाली, समझ गए? यस सर। 10 मिनट पहले सुनो ना, फिर क्वेश्चन पूछना, फिर क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। ओके सर। हाँ देखो इधर, हमको खाली इतना बताओ, ये 2400 रुपया पेड किया गया है 12 महीने का पेंट किया गया ना 12 मंथ का? सब लोग बोलो, लड़की जो पूछी हो क्वेश्चन वो बोलो जी। हाँ सर। अकाउंट का पीरियड कब है? 1/4/2014 से 31/3/2015। आराम से देखते जाना, अकाउंट जो बनता है एक्रुअल बेसिस पर बनता है, मतलब ये जो 12 मंथ का जो भी पीरियड है ना, इस पीरियड में जो भी एक्सपेंस हुआ, जो भी इनकम हुआ, उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसका पेमेंट हुआ या ना हुआ, पेमेंट कम हुआ या पेमेंट ज्यादा हुआ, पूरा एकदम ब्लड में ये सब चीज जाना चाहिए, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंट का, इसी पर पूरा अकाउंट डिपेंड होता है, ठीक है ना? इस पीरियड का जो एक्सपेंस है आपने पेड किया या पेड नहीं किया, जो आपका इनकम है आप रिसीव किए या नहीं रिसीव किए, कम रिसीव किए ज्यादा रिसीव किए, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनकम और एक्सपेंस को पेमेंट और रिसीट से दूर कर दिया गया। क्या पेमेंट करोगे? ऐसा नहीं कि आप पेमेंट करोगे तब खर्चा होगा। हम अपने दोस्त के होटल में जाके पूरा पार्टी मना लिए, अब मैंने कोई पेमेंट उसको नहीं किया, हम बोले कि 2 महीना बाद पेमेंट करेंगे, तो क्या मेरा खर्चा 2 महीना बाद होगा कि आज हुआ? एक रोल सिस्टम में कहता है कि आपने सर्विस अवेल कर लिया, आपने फैसिलिटी को यूज कर लिया, ठीक है ना, आपने गुड्स को यूज कर लिया, तो आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है? आप पेमेंट करो या ना करो, इनकम और एक्सपेंस को पेमेंट और रिसीट से सीधे डीलिंक जिसको बोलते हैं ना, दूर कर दिया गया, कि पेमेंट का रिसीट का इनकम एक्सपेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे नो? और आज दुनिया में सारा अकाउंट उसी बेसिस पर बनता है। ये पीरियड कब का है जी? 1 अप्रैल से 31 मार्च के, इस पीरियड का जितना एक्सपेंस होगा हम रिकॉर्ड करेंगे, इसके बाहर वाला रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखो सब लोग आराम से देखो, उसने पेमेंट कब किया है इंश्योरेंस का? 1/1/2015, यहां से 12 महीना के लिए कब तक का इंश्योरेंस करा लिया? 31/12/2015 तक, यस या नो? यस सर। इस पीरियड में इस साल 14/15 का इंश्योरेंस कितना हुआ? 3 महीना का ना? अब बाकी 9 मंथ का क्या हो गया? इसको बोलते हैं एडवांस, एडवांस हो गया सर, या प्रीपेड, एडवांस या प्रीपेड, वो समझ में आया? यस सर। आराम से, ये मत समझना कि सर एक एडजस्टमेंट बता रहे हैं, नहीं, ये पूरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जीवन में यही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है। हम कभी भी कहीं भी पढ़ाते हैं तो एक पॉइंट नहीं बताते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व करके क्या होगा, नंबर आ जाएगा, पास कर जाओगे, लेकिन बस यही तक, ठीक है? एक नॉलेज होता है, ज्ञान हो जाएगा तो सर जगह सब जगह यूज होगा। 12 मंथ का हम बना रहे हैं अकाउंट, 12 महीने का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस पीरियड का सारा एक्सपेंस को हमको रिकॉर्ड करना है, चाहे आप पेमेंट करो या ना करो, पेमेंट कम करो या पेमेंट ज्यादा करो, सिर्फ खर्चा इसी पीरियड का रिकॉर्ड करना है, यस या नो? यस सर। हमने इंश्योरेंस कब पेड किया? 1 जनवरी को पेड किया है इंश्योरेंस, 1 जनवरी 2015 को, ये बोल दिया कि ये 12 मंथ के लिए है, मतलब वहां से ये 12 महीना कवर करेगा, मतलब 31 दिसंबर तक आपका इंश्योरेंस हो गया जी, जिस चीज का कराया होगा इंश्योरेंस। Yes, तो ये जो पीरियड यहाँ पर कवर कर रहा है इस अकाउंटिंग ईयर में 14/15 में, कितना मंथ कवर कर रहा है जी? जनवरी, फरवरी और मार्च, यही ना जी? Yes, ये आ जाएगा 14/15 में, हाँ या ना? Yes, इसके आगे का जो पेड किया हो 9 मंथ का, यस या नो? ये किस ईयर का एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस है 15/16 का, एकदम yes, सब जो क्वेश्चन पूछे वो कुछ बोल ही नहीं रहे हो जी? मैं सुन रही हूँ सर। समझ में आ रहा है पूरा? यस सर। अब मेरे क्लास में हाँ, यस, नो, यस, वो कुछ बोलते रहो, जब हम बोलते हैं तो हमको कंफर्मेशन चाहिए, यस या नो? अब यहाँ देखो,
ये 9 मंथ का किस लिए, किस ईयर का एक्सपेंस है? 15-16 का, लेकिन पेड कर दिया मैंने कब? 14-15 में। तो जब 14-15 का अकाउंट्स बनाएंगे तो 14-15 में ये 9 मंथ का जो पेड किया है उसको क्या बोलेंगे? एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस जो बोलो। जब 15-16 आएगा तो ये 9 मंथ का जो एडवांस है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? इंश्योरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया जो बताया? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब आगे चलते, तब सबसे पहले सब लोग बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो सर? अभी जो दिखाए थे उनका स्क्रीनशॉट ले लेते एक बार और जाइए ना उसी। अच्छा स्क्रीनशॉट यही ना है, रट रहे हो? ले लो स्क्रीनशॉट। बार बार बोलते हैं कि 5 साल 2500 साल पढ़ लेता है आदमी तो अकाउंट नहीं समझ में आता है, जो बात समझो, ये 100% 10 क्लास 15 क्लास के बाद ये 100% अकाउंट मैथ में कन्वर्ट हो जाता है। समझ लोगे दिमाग में तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं आगे। ओके सर। चलो देखो इधर, सबसे पहले 8700 जो जनरल एक्सपेंस है इससे तुम इंश्योरेंस प्रीमियम को बाहर निकालो। हम क्या एंट्री करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अब बोलोगे तो इसको सेट कर देंगे टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। कितना? 2400 रुपया। 2400। ये एक बार सेट कर दीजिए ना। हाँ देखो जनरल एक्सपेंस अभी कितना है? जनरल एक्सपेंस अभी टोटल कितना है? 2700। बोलो बोलते रहो हाँ या ना। इंश्योरेंस प्रीमियम पहले से कितना है? अभी मान लो कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है। 8700 रुपया जो जनरल एक्सपेंस में तुमको पता चला कि इसमें 2400 रुपया का तो इंश्योरेंस शामिल है, तो इस 2400 रुपया इसे हटाएंगे तो जनरल एक्सपेंस घट जाएगा ना? यस सर। किसके घर में बच्चा रो रहा है जी? अपना भी तो, जिसके घर में काई काई हो रहा है, कुछ आवाज हो रहा है, वो कम से कम अपना अपना म्यूट करके रखो, दूसरे को डिस्टर्ब करो, तो कान में बहुत जोर से आवाज आता है। देखो इधर, ये 8700 रुपया का जो आपका खर्च हुआ जनरल एक्सपेंस, उसमें 2400 रुपया तो इंश्योरेंस का है। यस सर। तो जनरल एक्सपेंस को क्या 2400 रुपया इंश्योरेंस का घटाएंगे तो जनरल एक्सपेंस नाम का खर्चा घटेगा ना? यस सर। खर्चा घटेगा हाँ, तो एक्सपेंसेस घटा तो क्रेडिट। अब जनरल, फिर बोलो आराम से, जहाँ हड़बड़ कर किए गड़बड़ वहां से स्टार्ट होता है एकदम, एक मैथ ये सब पढ़ा जाता है एकदम अस्थिर से, दिमाग समझा के अस्थिर करके। अब उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, पहले से इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा कितना था मान लेते हैं? जीरो। 2400 रुपया अभी बढ़ा जी पेड किए तो जनरल एक्सपेंस से निकाले तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा ना मेरा 2400 रुपया? यस सर। हाँ या ना बोलो? यस सर। चलो अब जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो गया? 2400 हो गया। जनरल एक्सपेंस आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है आपके लिए? अभी मानते हैं अभी एक्सपेंस माने हैं, ठीक है ना? क्या होगा? जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस ही है, डिक्रीज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा क्रेडिट, क्रेडिट को भी हमेशा समझो, एक्सपेंस को इंक्रीज कराना है डेबिट करो, डिक्रीज कराना है क्रेडिट करो। एक 4 लाइन का फॉर्मूला भेजे हैं, इतना अच्छा प्रेजेंट करके भेजे हैं कि कोई भी स्टूडेंट रहेगा तो एक बार में रट जाएगा तो कभी जीवन में भूलेगा नहीं। हम जहाँ पढ़ाते हैं उसको अकाउंट्स में कभी सोचना नहीं पड़ता है। तुम लोग एको घंटा पढ़ाबे नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है आपके लिए जी? एक्सपेंस है। पहले जीरो था, अब कितना हो गया? 2400 इंक्रीज हो गया, बढ़ गया डेबिट। क्या होगा? डेबिट होगा, एंट्री हो गया ना। अब चले आगे नेक्स्ट पेज पर चले। अब देखो ये जो 2400 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया है ना, इसमें से 3 मंथ का है जी प्रेजेंट मंथ का है, 14-15 करंट ईयर का, करंट ईयर का है। प्रेजेंट मंथ नहीं बोलते, करंट ईयर बोलते हैं, मतलब एक ही है लेकिन जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यूज करो, ठीक है सर। और दूसरा 9 मंथ क्या है जी नेक्स्ट ईयर के लिए? ये करेंट ईयर का एक्सपेंस होगा। ये क्या होगा? प्रीपेड होगा, एसेट होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। ये क्या है जी? एक्सपेंस है। 2400 रुपया में 2400 रुपया इंश्योरेंस है 12 महीना का, तो 3 महीना का कितना होगा?
लेकिन अभी तुम एंट्री क्या किए हो? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना से डेबिट है? 2400 रुपया से? 2400। उसको 1200 से 1800 से घटा देंगे ना? प्रीपेड है ना सर? हाँ, जो प्रीपेड है उसको हटाएंगे ना वहां से? हाँ सर। एंट्री क्या हो जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, वेरी नाइस। तो इंश्योरेंस अकाउंट, और आराम आराम से, हड़बड़ करते हो तुम लोग। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जाओगे कहीं कंपनी में काम करोगे, इंडस्ट्री में काम करोगे, तो एक बैलेंस शीट बनाने में लगता है 15 दिन, 150 घंटा, 200 घंटा लगता है। तो पेशेंस रहेगा तब ना वहां बना पाओगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कुछ समझे जी? हाँ सर। यस या नो, सब लोग बोलो। यस सर। अर्जा तुम बताओ। यस सर। तुम जो क्वेश्चन कर रहे थे, अब क्वेश्चन तुम्हारा हो गया सॉल्व उसमें? यस सर। यही ना क्वेश्चन कर रहे थे, कैसे कैसे एक साल का पेड़ किया ये वो, तो आगे देखोगे तब ना। हो गया? यस सर। अब कोई डाउट नहीं ना? अब इसमें एक इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट इसमें हो गया। अब एक एडजस्टमेंट क्या सर? ये 1800 जो सर लिखे हैं, तो ये तो हमारा फ्यूचर के लिए एसेट्स ही है ना सर? ये अभी मेरा एसेट है, हम नहीं बोले 2014-15 में मेरा ये क्या है, एसेट है? यस सर। एक्सपेंसेस है सर 14-15 में। 14-15 में आपका 600 रुपया एक्सपेंस है, 1800 रुपया क्या है, एसेट है? एसेट है सर। अच्छा सर, अब 14-15 के बाद 15-16 में जाइएगा तो क्या होगा? तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, ये इंश्योरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट नेक्स्ट ईयर में। यस सर। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। समझ में आ रहा है सर? ये 15-16 की एंट्री होगी ना? हाँ, नेक्स्ट ईयर में। इस अभी जो आपके लिए एडवांस है, अभी आज आप चाय पिए, आपने 2 दिन का उसको पैसा दे दिया, ठीक है, 20 रुपया आपने उसको एडवांस दे दिया, तो ये 20 रुपया आज आपके लिए सेट है। लेकिन कल मेरे लिए वो एक्सपेंसेस है। कल जाके एक कप चाय पी लिए तो उस 20 रुपया में से 10 रुपया एक्सपेंस हो गया। अब परसों एक कप और पी लिए तो 20 का 20 एक्सपेंस हो गया। यस या नो? यस सर। पूरा दिमाग सोच के, जितना सोचोगे उतना डेवलप होगा अकाउंट में। अगर नहीं आपने सोचा तो फिर डेवलप नहीं होगा। जो बता रहे हैं ये होता है ना, इधर से उधर कुछ नहीं, ये सबसे टॉपो में टॉप बेसिस है सर। हाँ बताओ। वो जो सर ये 600 रुपया जो सर दिए थे उसको, ये करेंट ईयर का, हाँ, एक्सपेंस, तो सर उसका कोई सिंगल एंट्री नहीं बनाइएगा सर? क्या सिंगल एंट्री? मतलब कि वो करेंट ईयर का जो सर, जैसे 3 महीना करेंट ईयर के था, 9 महीना नेक्स्ट ईयर के लिए सर था। हाँ, हाँ। तो वो 600 रुपया का, ये 1800 के तो आप सर दिखा रहे हैं सर एसेट्स है मेरा आपके। तुम देखो, तुम्हारा जो दिक्कत है ना, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में पहले से कुछ चीज बैठ जाता है। अब उसको हम कितनों पॉलिश करेंगे तो दिमाग, हम बोलते हैं कि क्लास में रहो तो सब चीज, अभी तक जो भी पढ़ो सारे को फॉर्मेट मार के रहो, अभी पर एकेडमिक लेवल पर पढ़े हो, समझ गए? इसमें क्या है, 2400 रुपया का मैंने पेमेंट किया, 3 महीना का ये ईयर का करेंट ईयर में है, 3 महीने और बाकी 9 मंथ का नेक्स्ट ईयर का है। एसियनो आया ना? बताओ। तो जो करेंट पीरियड का है 3 महीना का, कितना हुआ? 600 रुपया। वो इस ईयर का पीएल अकाउंट में चला जाएगा, खर्चा है। यस सर। बाकी 1800 रुपया नेक्स्ट मंथ का है। यस सर। यस या नो? ये सर इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे ना? यस। एसेट साइड? हाँ, एसेट साइड को बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस को बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और नेक्स्ट ईयर में ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्या कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपेंसेस में। Yes, you know. फिर पीएल में चले जाएगा। हाँ, पीएल में चला जाएगा। सोच सोच के। आर झा। Yes, sir. जो हम बोलते हैं तुम करो, नहीं तो खुद को ही तुम माइनस करोगे। तो सर सबको सेट आप करते चलिए जाइए, जितना भी आप सर कर रहे हैं सबको सेट कर दीजिए। अच्छा, इसको सेट कर दिए ना पहले वाले को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है तुमको? नहीं सर, उसमें तो नहीं है सर। कि इसको भी सेट कर दिए सर? 600 वाला सर आप सेट कर दीजिए। ठीक है, 600 वाला कर देते हैं आराम से। लिखो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पहले कितना था? इंश्योरेंस खाली समझना मतलब एक्सपेंस। 2400 सर। 2400 बोलते जाओ आर के झा। अब प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से कितना है? 1800 सर।
जीरो है पहले से। अच्छा जीरो। अब इस 1800 में जो इंश्योरेंस है ना 2400, इसमें से 1800 क्या है, प्रीपेड है? यस सर। उसको हटा लेंगे? यस सर। कितना बचेगा? 600। अब पहले से प्रीपेड जीरो था, अब पता चला कि 1800 प्रीपेड है, प्रीपेड कितना हो गया? 1800। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है आपका? एसेट सर। यस सर एसेट। क्या होगा? इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस खाली लिख दे, ठीक है ना? यस सर। डिक्रीज क्रेडिट कितना? 1800 जो एडवांस है। यस सर। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट इंक्रीज डेबिट, ये एडजस्टमेंट है बाबू, इसको ये मत समझना कि ये नॉर्मल जर्नल एंट्री है, ये एडजस्टमेंट है। आ गया समझ में? तो सर ये सर प्रीपेड एक्सपेंस जो ये सर मतलब कि डिक्रीज जो हुआ सर, हाँ 1800 से सर, ये तो 2400 से सर डिक्रीज होके 1800 सर आया ना। 2400 से डिक्रीज होके 600 आ गया सर। 600 से सर डिक्रीज हुआ ना सर। 1800 से डिक्रीज हुआ, तुम कैसे जोड़ते हो? देखो अब हम क्या बताएं तुम, 2400 रुपया पेमेंट किया है ना 12 महीना का। यस सर। एक एक 2015 को पेमेंट किए हैं जी। यस सर। 31/3/2015 पहला ईयर अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, इसके बाद दूसरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा। यस सर। दूसरा कब एंड होगा? 31/3/2016 को। ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1/4/2014 को। यस या नो? इसमें तो 12 महीना का जो है वही ना खर्चा लेंगे, तो यहाँ पेड कब किया है? 1/1/2015 को। यस सर। इधर से इधर कितना महीना आया? 3 महीना। अब बाकी 9 महीना नेक्स्ट मंथ के लिए है। यस सर। हाँ या ना? यस सर। 12 महीना का कितना इंश्योरेंस है? 2400। 1 महीना का कितना हुआ? 200 सर। 3 महीना का कितना होगा? 600 हुआ सर। 600 हुआ करेंट ईयर का, बाकी 1800 किस ईयर का हुआ? एडवांस हो गया। यस सर। एडवांस हो गया। यस। हम यहाँ क्या माने थे कि 2400 इस ईयर में पेड किया, तो 2400 इस ईयर का पहले मान लिया एक्सपेंस। यस सर। हाँ या ना? एंट्री देखो, डिलीट कर दिया सर, ठीक है ना? 2400 इस ईयर का मान लिए थे, देखो यहाँ 2400 मान लिए थे ना इस ईयर का। यस सर। इसमें पता चला कि 2400 इस ईयर का नहीं है, 1800 नेक्स्ट ईयर का है। अच्छा। उसको हटा दिया यहाँ पर। यस सर। अब समझ में आया? यस सर। कि झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, अब तो समझ में आ गया सर। लेकिन बड़ा कंफ्यूज रहते हो, कंफ्यूजन दूर करो अपना, अब आगे चलें। तो सर एक बार नेक्स्ट वाला जो सर नेक्स्ट में किए थे सर, प्रीवियस में, उसका एक बार दिखाइएगा स्क्रीनशॉट ले लो। हां यस सर। ओके होल्ड ऑन, हम खींचो फोटो, लेकिन याद रखना कि फोटो खींचते हो तो हमेशा तुमको खींचना पड़ेगा। नहीं सर, मतलब कि हम एक्सप्लेन हम चार हम 12-10 साल से पढ़ा रहे हैं भाई, करेंगे ना सर, घर में खुद करेंगे ना, टाइम लगा के एक्सप्लेन कैसे कैसे क्या किए सर, इसीलिए ठीक है खुद को घर में एक्सप्लेन करना तुम, लेकिन जो बोले वो ध्यान रखना, हम तो यही दिन भर करवे करते हैं, तो सीए वाले को भी पढ़ाते हैं, तो हमको पता है ना कि जहाँ रटना जहाँ चालू हो गया फिर वो गलत ट्रैक पर स्टूडेंट जा रहा है। अपना नाम लिख के रखते हो कहीं? अपने फादर का नाम लिखे हो कहीं कि कहीं भूल जाओगे? नहीं सर। प्रैक्टिकल पेपर का फेयर यहाँ दिमाग में होता है। चलो आगे। तो सर ये 600 जो है सर करंट ईयर का एक्सपेंस सर, 3 मंथ का। हाँ ये वो सर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये जाएगा पीएल अकाउंट। वो तो जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब वहाँ उसको सर आप जनरल एंट्री बना के फिर दिखाइएगा ना सर, शो कीजिएगा ना। तो उसको दिखा दिए, देखो 2400 रुपया से डेबिट किया है ना प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम को। यस सर। यस या नो? यस सर। 1800 रुपया से क्रेडिट किया है ना इंश्योरेंस प्रीमियम को। यस सर। 600 रुपया डेबिट हो गया ना, तो सर 600 का था डिफरेंस तो आया है सर। डिफरेंस नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम का लेदर बनाएंगे तो उसका बैलेंस कितना, हम तुमको अभी 2400 रुपया देते हैं, 1800 रुपया ले लेते हैं, तो हमने एग्जैक्ट आपको कितना दिया? 600 रुपया। 600 रुपया। और तुम क्या ढूंढ रहे हो कि सर 600 रुपया कहाँ है? तो भाई 2400 रुपया हमने दिया, 1800 आपसे लिया, तो 600 रुपया उसी में है जी। यस सर। तुम सोच रहे हो कि स्पेसिफिक 600 रुपया का ट्रांजेक्शन कहाँ दिखे, तो 2400 यहाँ डेबिट हुआ है, 1800 यहाँ क्रेडिट हुआ, दिख रहे हो ये? यस सर। 600 रुपया बचा ना? यस सर।
डेबिट कितना से हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम हमको ये बताओ। 2400 से सर। क्रेडिट कितना से हुआ है? 1800 से। अब उसका बैलेंस कितना बचेगा? 600। 600 बैलेंस क्या बचेगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट वो अपने चल जाएगा पीएल अकाउंट में। ओके तो 600 वाला 600 का एंट्री नहीं होगा, समझ गए? वही हम 600 का एंट्री सर देख रहे थे, इसीलिए सर इतना पूछ रहे हैं। इसलिए देख रहे हो कि जो सर बोलते हैं वो समझते नहीं हो, रटने के मूड में रहते हो, अब बार बार बोलते हैं हम तुम्हारे लिए बोलते हैं। ठीक है चलो आगे, अब यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा बोलो। यस सर। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ड्राइंग किस में इंक्लूडेड है? जनरल एक्सपेंसेस। क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। जितना जो असाइनमेंट बना के दिए हैं स्पेशल तुम लोग के लिए, उसको एकदम संडे रहेगा मंडे रहेगा, कम से कम 50 पेज 20 पेज 25 पेज लिखना कल जाके घर में, तब सीखोगे। सर फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत लंबा लग। फॉर्मेट मतलब क्या, सेटिंग जो हम बोल के दिए हैं ना, हाँ, वो सब सर वो पर्टिकुलर और डेट्स पूरा लाइनिंग बना के बनाना पड़ता है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। लाइनिंग का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो सेटिंग हम बताए हैं एसेट इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंस इंक्रीज डिक्रीज, वो सेटिंग कंपलसरी है। ठीक है सर। वो फाउंडेशन ऐसा है कि उस पर 100 महल का बिल्डिंग बन सकता है, इसीलिए जो भी एक भी जनरल एंट्री होगा उसी बेसिस पर होगा। ठीक है चलो इसको सेट कर दें। आरके जा कर दीजिए, तुमने तुमसे हो पाएगा सेट? हाँ सर करो सेट। ये सर ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंस है सर, ये इंक्रीज किया तो इनको डेबिट किए सर। तुम क्लास में रहोगे तो बाहर हो जाओगे, सही बोलते हैं। तुम पहले से जो रट के आया है उससे आगे तुम जा ही नहीं। सर ये हम बताते रहे सर, मेरा कैपिटल फिर लूज हुआ ना सर 5000 से सर, कैपिटल मेरा कम हुआ ना सर, ये ड्राइंग किए तो सर फिर सर ड्राइंग विथड्रॉल अगेंस्ट द कैपिटल होता है ना, तो कैपिटल तो लायबिलिटी के अंदर आता है और लायबिलिटी घटा तो डेबिट हो गया, और जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है और अगर एक्सपेंसेस घटता है तो क्रेडिट हो गया। पहले देख लो अर्जा, yes, तुम हर बार करते हो, नहीं सीख रहे हो, हम समझ जाते हैं। ये कितना है? 6300 रुपया है। हाँ 2600 रुपया घटाने के बाद बताओ इधर से। इसमें से 5000 रुपया क्या है, हाउस रेंट है। तो जनरल एक्सपेंस तुम्हारा एक्चुअल में कितना है, 1300। यस सर। और कैपिटल तुम्हारा है कितना, 1,00,000, उसमें से 5000 रुपया विड्रॉ कर लिए। अब कैपिटल कितना बचा, 95,000। कैपिटल क्या है तुम्हारे लिए, लायबिलिटी। और जनरल एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या सेटिंग हुआ, कैपिटल गलती, देखो गलती वहां करते हैं जहां गलती करने का रहता है, जहां गलती करने का चांस नहीं है वहां गलती करोगे तो फिर लगता है ना कि हम सिखा नहीं पा रहे हैं तुमको। कैपिटल लायबिलिटी डिक्रीज क्या होगा, डेबिट। कितना, 5000। 5000। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस है जी। यस हाँ सर। इंक्रीज की डिक्रीज, ये भी डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट होगा। कितना से, 5000। आया ना। कैपिटल के जगह लिखते हैं क्या, कैपिटल के जगह पर कैपिटल ना लिख के क्या लिखते हैं, ड्राइंग। ये जनरल एंट्री में क्या यूज करेंगे, ड्राइंग। ठीक है ना, ये मानना कैपिटल ही, लेकिन अपने मन में सोचना कि क्या उसको लिख रहे हैं उसके बदले, ड्राइंग। ड्राइंग कोई दिक्कत है नहीं सर। अब जनरल एक्सपेंस कितना बचेगा, 1300। 1300 सर। यस सर। ये 1300 कहाँ चल जाएगा, पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट। आया। यस सर। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट में 3 एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट वही करेगा जिसको अकाउंट पर कंट्रोल है। एडजस्टमेंट सीख लिए तो समझो बेसिक अकाउंटिंग सीख लिए, फिर कुछ भी आप सीख सकते हो। और आगे वाला बोलो, आगे का क्वेश्चन बोलो, कोई और क्वेश्चन बोलो। सर यही था मेरे पास एक। समझ में आ गया पूरा अच्छा से? हाँ सर आ गया अच्छे से। तो सर ये टोटल कंपाउंड हो सकता है सर एक ही एंट्री में? नहीं, एक एंट्री करना कोई अच्छा नहीं है यहाँ पर।
यहाँ पर ट्रांजेक्शन बाय एंट्री करो, एक ही एंट्री करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन बाय एंट्री करते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि स्टूडेंट का कैलिबर क्या है, तोड़ तोड़ के, जितना तोड़ के उसको एंट्री करो उससे पता चलता है कितना अच्छे से सीखे हुए हो आप, समझ गए। यहाँ पर कितना एंट्री हुआ, 3-4-5 एंट्री हुआ ना, यस सर। आइए घर में जाके 1-2 घंटा इस पर फोकस करना, चले आगे चले। यस सर। और किसी का क्वेश्चन है कुछ? शुरुआत में पहले यही होता है, तुम लोग जो भी मन है सब पूछो। प्रीति कुमारी समझ में आया आपको? यस सर। बीकॉम, चलो ठीक है। आदित कुमार, आदिति कुमारी आया आपको जी? युवराज सिंह आया? युवराज सिंह कंफर्म करो। विजय प्रताप? यस सर। विजय प्रताप यस, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब वीडियो तुम लोग का अपलोड कर देंगे, आज 2 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। अब कोर्स का नाम जो सेम है उसी को देख के तुम लोग यूट्यूब पर देख लेना, जो क्लास लेट से ज्वाइन करते हो जो लोग, ठीक है। आज रात तक सारा वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। देखो इधर, अब हम नेक्स्ट बता देते हैं। 2-3 दिन से हमको बोल रहा था कि सर क्रेडिट कार्ड का कैसे जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का तुम ही लोग करना। क्रेडिट कार्ड का सिस्टम क्या होता है, बैंक में हम लोग जाते हैं, एक क्रेडिट कार्ड बैंक से इशू करा लेते हैं, ठीक है। इस कार्ड में देखो, बोलो सब लोग बोलो, हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर। देखो ये क्रेडिट कार्ड बैंक हमको इशू करके दे देती है, और इसमें एक लिमिट रहता है कि आप हर आदमी का अपने उसका जो बैंक में रिपुटेशन है, बैंक में उसका जो बैलेंस है, जिस तरह का कस्टमर है, बड़ा कस्टमर, सचिन तेंदुलकर को 500 करोड़ का क्रेडिट दे सकता है, 100 करोड़ का क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, लेकिन हमको 1-2 लाख का क्रेडिट कार्ड इशू करेगा। कि बैंक को पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड से इस खर्चा तो कर लेगा मेरे नाम पर, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आएगा तो इसको इतना कैपेसिटी नहीं कि ये पे कर पाएगा। ठेठ, जो हम ठेठ भाषा में बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड है कि तुम परचेज करते हो उस टाइम, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड के यूज करके अभी हमने 10,000 का गुड्स परचेज कर लिया, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी उसका टाइम है पेमेंट करने का, उस टाइम पर हम अपने बैंक अकाउंट से 10,000 का पेमेंट कर देते हैं, वो समझे। तो हमारे बिहाफ पे सर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करता है तब? हाँ, जो इशू अथॉरिटी होता है ना, जो इशू करता है, ठीक है ना, वो पेमेंट करता है और फिर बैंक से उसको पेमेंट कर देते हैं। यस सर। अब कुछ समझे, तुमने परचेज, तुमको एक कार्ड मिला हुआ है 2 लाख का, 2 लाख का आप कहीं भी जाके आप कुछ परचेज कर सकते हो। यस सर। 2 लाख में ये नहीं जरूरी है कि 2 लाख का ही परचेज करें, 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है, 2 लाख से ज्यादा नहीं जा सकते आप उस पीरियड में। तो आपने 1.5 लाख रुपया का जाके एक लैपटॉप परचेज किया, पेमेंट के टाइम में अपना क्रेडिट कार्ड आपने दिखा दिया, ठीक है। अब पेमेंट कब आ रही है, वहां तो पेमेंट हो गया, लैपटॉप तो परचेज हो गया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिए। यस सर। अब जब उस क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है ना, तो उसका एक टाइम रहता है, इस टाइम को आपको हमेशा जब भी आपके अकाउंट में जो पैसा रहेगा उसको पेमेंट करना है आपको, ठीक है। इन जनरली मंथली बेसिस पर करना पड़ता है, और कुछ का अलग अलग बैंक का अलग अलग पॉलिसी होता है, क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक इशू करती है या कोई थर्ड पार्टी भी इशू करता है, ऑथराइज जो गवर्नमेंट ऑथराइज है उसका अलग अलग ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना। देखते हो नहीं बैंक, कितना बैंक है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है, कितना बैंक है कि हाफ ईयरली देता है, और कितना एनुअली देता है, सब आपका अपना अलग अलग पॉलिसी है, और सारे खाली इतना ध्यान रखना है कि आरबीआई का जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को कभी भी, ठीक है, वायलेट ना करे, उसके गाइडलाइंस के अंदर जो भी रहे उसके हिसाब से चल सकता है। ये नहीं कि गाइडलाइंस कुछ है ये कर रहा है कुछ। अब मान लो कि घर में, अपना घर में गाइडलाइन क्या है अपने फादर माता पिता का, आपको 6 बजे सुबह उठ जाना चाहिए, ये गाइडलाइन है। अब कोई आदमी 5:30 बजे उठ गया, कोई स्टूडेंट, तो क्या वो गाइडलाइन तोड़ दिया जी? जो रूल है रूल को तो ब्रेक किया नहीं, जो घर का लॉ है उसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक कब करेगा जब उसके आगे जाएगा,
ठीक है, इसीलिए रूल है कि 1 तारीख तक पेमेंट करना, तो उसके पहले भी कोई कर देता है, कोई बाद में भी करता है। सर 1 तारीख तक नहीं पेमेंट करेंगे तो उसमें रूल है कि 1 तारीख तक आप नहीं पेमेंट करोगे तो आप पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ सीखना है तुम लोग को यही चीज सीखो कि क्रेडिट कार्ड से परचेज करेंगे तो क्या करेंगे। मान लो कंप्यूटर परचेज किए क्रेडिट कार्ड से तो क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। क्यों, कंप्यूटर एसेट है, इंक्रीज कर रहा है। पहले 1 लाख का कंप्यूटर था, 50,000 का कंप्यूटर और परचेज किए, कंप्यूटर कितना हो गया, 2,50,000 का। यस सर। टू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सर लायबिलिटी इसीलिए इंक्रीज हो रहा है इसीलिए सर। हाँ क्रेडिट, अब क्रेडिट कार्ड वाला को पेमेंट करना पड़ेगा ना कभी ना कभी। यस सर। कि फोकट में है क्रेडिट कार्ड, फोकट में आता है आगे सर। क्रेडिट कार्ड में महीने में दिया जाता है ना, सबका कुछ सबका अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है। अब बैंक से हम लोग अलग अलग बैंक का एटीएम यूज करते हैं ना जी, है ना। इसका बैंक है कि आप 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री देता है, इसका बैंक मंथली 3 ट्रांजेक्शन विदाउट चार्ज का आप कर सकते हो, मतलब पैसा निकाल सकते हो एटीएम से, ठीक है ना। और कितना बैंक है कि 3 अपने बैंक से निकाल सकते हैं और 2 किसी और एटीएम से निकाल सकते हैं। मतलब बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, एग्जांपल देते हैं बैंक ऑफ इंडिया का, बीओआई का, तो इसमें बोला गया कि आप 5 ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, लेकिन इस 5 ट्रांजेक्शन में मिनिमम 3 आपका अपना खुद के बैंक से होना चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से होना चाहिए, और 2 किसी अदर से कर सकते हो। इसको जैसे ही इस लिमिट को आपने क्रॉस किया, पर ट्रांजेक्शन आपको 20 रुपया चार्ज लगेगा। यही दूसरा बैंक है, इसका अलग गाइडलाइन है, मतलब समझे। तो ये मत बोल देना कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हमेशा मंथली होता है, नहीं अलग अलग से। अब रेंट का पेमेंट हमेशा मंथली होता है ना इन पटना में जनरल, लेकिन कोई ऐसा भी होगा ना कि 6 महीना में पेमेंट करता होगा या सर 6 महीना के एडवांस भी देता है। इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, तुमको कब पेमेंट होता है नहीं पेमेंट होता है उसके लॉ से जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे ये जानना हम लोग को जरूरी है, ठीक है। क्या हो गया एंट्री, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, टू बैंक क्रेडिट कार्ड, मतलब क्या लायबिलिटी। यस सर। कोई दिक्कत है, कितना का, 50,000 का। अब जब 1 महीना बाद इसका पेमेंट कर देंगे, ये क्रेडिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट, इन जनरल बैंक से पेमेंट होता है, और तुम कैश में भी कर सकते हो, ठीक है सर। बैंक से होगा ना क्रेडिट कार्ड का तो सर। इन जनरल बैंक से होता है, कैश से भी कभी कभी कर सकता है, ठीक है। एंट्री में कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, समझ गए। तो सर यहाँ पे, सर यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा है जिस टाइम में पेमेंट करेंगे सर, देखो एक एंट्री और होगा सर वहाँ पे ना सर। कहाँ पर, वहीं पे क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट, और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी हमको इंटरेस्ट चार्ज करेगी क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद। अच्छा मान लो कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया तो तब तो यही होगा सर, लेकिन करते तो है सर, फ्री में थोड़ी दे देती है सर। इंटरेस्ट अगर चार्ज करेगा तो उसका भी एंट्री कर देंगे, है ना। क्या होगा एंट्री, करो उसका एंट्री, क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो भी एंट्री गलत की है, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट, ये आपके लिए क्या है। अरे क्रेडिट कार्ड क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना। एक्सपेंस हुआ सर, एक्सपेंस हुआ टू क्रेडिट कार्ड। मान लो 1,000 रुपया का इंटरेस्ट हुआ, अब लायबिलिटी कितना, 50,000 का क्रेडिट कार्ड यूज किए, 1,000 रुपया का उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, अब हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 51,000 रुपया। अब यहाँ पेमेंट का एंट्री करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अभी कोई फिक्स नहीं कि हमेशा इंटरेस्ट चार्ज करवे करेगा क्रेडिट कार्ड पर, आ रहा समझ में। फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहता है, ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देंगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। बिजली बिल का आता है ना तुम लोग को पेमेंट करने का जी। यस सर। बिल देखे हो, अप टू यहाँ तक करेंगे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, अप टू यहाँ करेंगे तो इतना, कुछ आ रहा समझ में। यस सर। रट्टू तो था नहीं कि इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, नहीं, बहुत ऐसा आईसीआई का देखो या HDFC का देखो, जितना भी प्राइवेट बैंक है ना, ये बैंक अपने हाई लेवल के कस्टमर को, हाई लेवल का कस्टमर मतलब जिसका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके अकाउंट में ज्यादा बैलेंस है, फ्री का ऑफ कॉस्ट भी देता है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, चार्ज करेगा तो ये एंट्री होगा, जब पेमेंट होगा तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट,
टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना होगा? 51,000, 50,000 रुपया का। सर हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं सर? नहीं, एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2+4=6। और तुम पूछ रहे हो सर 4+2 लिख सकते हैं बराबर 6, क्या फर्क पड़ता है? चले आगे। यस सर। आगे बताओ जी, प्रीति कुमारी आप बताओ। अच्छा तुम लोग अटेंडेंस अपना बोल दो। तुम लोग अपना अटेंडेंस के लिए देख सोचना नहीं, अटेंडेंस हम जो आईडी से क्लास लेते हैं ना उसमें ऑटोमेटिक उसमें अपलोड हो जाता है, अटेंडेंस ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। हम जाके अभी सीख रहे हैं, एक दो दिन के अंदर तुम लोग का अटेंडेंस हम खुद बना देंगे, वहाँ सिस्टम है बहुत आसानी से बन जाता है। सर वो जनरल एंट्री सर आप हमको सेंड कर दीजिएगा सर। क्या बोल, फिर से बोलो जी। जनरल एंट्री जो सर एक रिया आपको भेजी थी सर, कौन वो सर आप ग्रुप, सर ग्रुप पे आप डाल दीजिएगा सर, सब प्रैक्टिस कर लेगा सर उनसे। कौन जनरल? अच्छा ठीक है, एडजस्टमेंट वाला सर। अच्छा तुमको भेज देंगे, ठीक है। यस सर। ग्रुप में हम कैसे भेज सकते हैं जी? वो ग्रुप में सर हैं, सब लोग हैं, तो कैसे भेज सकते हैं स्पेसिफिक तुम्हारा एगो एंट्री? समझ गए, ठीक है। अपना अटेंडेंस जल्दी से बता दो तुम लोग। जल्दी बोलो जी। रोल नंबर 1 सर। क्या नाम है? सुष्मिता। सुष्मिता 3 सर। सुष्मिता हो गए, ये है 3 सर। रुक जाओ एक मिनट। रोल नंबर 1 सुष्मिता 28/29 और बोलो 3 और बोलो 5। 3 में क्या है जी? अंकित कुमार है जी। यस सर। कहाँ है अंकित कुमार बताओ हमको? क्या अंकित कुमार किधर है? 3 सर, रोल नंबर 3 में है सर। अच्छा ठीक है, आगे बोलो। रोल नंबर 5। इसको रुको एक मिनट, कोई नहीं। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, रिकॉर्डिंग खत्म करने दो।